राजस्थान के महिलाओं के प्रति होने वाली आपराधिक घटनाएं पुलिस के लिए बड़ा सिरदर्द बन गई हैं। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और चेन स्नेचिंग जैसी वारदातें खासतौर पर महिलाओं के दिलों में डर पैदा करती है। उदयपुर के शोभापुरा गांव में अब महिलाओं ने अपराधियों से खुद ही निपटने का मन बना लिया है। गांव की महिला सरपंच कविता जोशी अपने इलाके के लोगों को आत्मरक्षा के गुर सिखाने में जुटी हैं। कविता जोशी उन महिलाओं को मार्शल आर्ट सिखा रही हैं जो घर से बाहर कामकाज के लिए निकलती हैं। ऐसी महिलाओं को बदमाशों की छेड़छाड़ के साथ ही चेन स्नेचिंग जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। कविता जोशी मानती है कि अगर महिलाओं को आत्मनिर्भर बना दिया जाए तो वो पुरुषों से किसी भी मामले में पीछे नहीं रह सकती हैं। हम लोग आए दिन सुन ही रहे हैं कि जेंडर इक्वलिटी की सिर्फ बातें ही हो रही है, यहाँ पे इसके लिए कुछ काम नहीं हो रहा है। पर मेरा ये मानना है पर्सनली कि जब महिलाओं को अपने लिए स्टेप खुद ही उठानी पड़ेगी। ये पहला हमारे पंचायत में ऐसा काम हो रहा है और ये इसी चीज़ को सोचते हुए मैंने यहाँ की महिलाओं को मार्शल आर्ट सिखाने की ट्रेनिंग में दिलवा रही हूँ कि ताकि महिलाएँ खुद अपने आप को आगे ला सकें। और जहाँ तक हम कहते हैं कि महिलाएं दूसरों पे डिपेंड रहती है, पर इस चीज से महिलाएं अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएगी। कविता की मार्शल आर्ट की क्लास में कामकाजी महिलाओं के साथ ही वो महिलाएं भी आ रही हैं जो कि घर की चार दीवारी में ही बंद रहती हैं। महिलाओं को मार्शल आर्ट सिखाने के एवज में कविता उनसे पैसे भी नहीं लेती है, जिससे अब इनकी क्लास में 70 से भी ज्यादा लड़कियां और महिलाएं आत्मरक्षा के गुर सीख रही हैं। मैं लियो मार्शल आर्ट एकेडमी से 4 साल से जुड़ी हूँ, 4-5 साल हो गए मुझे। और हमारे एकेडमी के डायरेक्टर प्रिंसी मुकेश कुमार सुखवाल नाम है एंड मुझे यहाँ पर उन्होंने क्लासेस लेने के लिए बोला है, तो मैं यहाँ पर क्लासेस ले रही हूँ। काफ़ी लड़कियों में बहुत इंटरेस्ट आया है यहाँ पर और इंटरेस्ट ले भी रही है, तो इन्हें लिए आगे ना बेनिफिट भी इनके लिए रखा है कि अगर कोई भी लड़की अच्छा करती है तो उनके लिए यूनिफॉर्म प्रोवाइड की जाएगी, 10 लड़कियों को यूनिफॉर्म प्रोवाइड की जाएगी यहाँ पर। अभी मतलब 70 से ऊपर जा रही है गर्ल्स, आ रही है नई नई गर्ल्स, पूरा शोभापुरा में जो भी लड़कियां हैं उनको पता चल रहा है धीरे धीरे, तो आ रही है धीरे धीरे लड़कियां। मैं हमारे सरपंच मैम कविता जोशी मैम ने जो मार्शल आर्ट लड़कियों के लिए फ्री निःशुल्क सिखाने के लिए इन्होंने बहुत सारी मतलब कोशिश की है। गरीब लड़कियां हैं जो नहीं कर पाती है वो भी सीख रही है, और अचानक अगर हम पर कोई मुसीबत आ जाती है तो हम है ना एक बार में उनको जवाब दे सकते हैं। मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रही महिलाओं का मानना है कि हर लड़की और महिला को इतना हाथ पांव चलाना तो आना ही चाहिए जिससे कि वो आने वाली मुसीबत का डट कर सामना कर सके। इनका मानना है कि मार्शल आर्ट सीखने के बाद इनमें इतना आत्मविश्वास भी आ गया है कि वो किसी भी बदमाश को मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। आज के जमाने पर जब महिलाएं खुद को कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं, ऐसे में कविता जोशी जिस तरह से महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखा रही हैं वो वाकई तारीफ के काबिल है। कविता की क्लास में आने वाली महिलाएं अपने गुरु की तारीफ करते नहीं थक रही। राजस्थान तक के लिए उदयपुर से प्रताप सिंह राठौड़ की रिपोर्ट।